बाहर रहने वालों को ना ज़्यादा मिर्च मसाले खाने की आदत नहीं होती, इसलिए मैंने बिरयानी नहीं चिकन पुलाव बनाया है, और चिकन कढ़ाई भी काली मिर्च वाली। फ्रिज में काफ़ी कबाब पड़े हैं, चल जाएंगे। असल से कहूँगी कि वो चिकन रोस्ट ले आए। और आप भी उस कितनी अजीब औरत है शकीला भाभी। सच बताएं, आपको परेशानी नहीं हो रही है मायरा के अचानक आ जाने से? मुझे तो लग रहा था कि आप मुंह बनाएंगी। हाथुर तवाजो तो बड़ी दूर की बात है। खैर, मेरा फर्ज तो आपको खबरदार करना था, बाकी करती तो आप वही हैं जो आपका दिल चाहे। सारी खातिर तवाजुन आज ही मत कर दीजिएगा। अब इतनी दूर से आई है माँ बेटी, कुछ दिन तो रुकेंगी ना। अब घर बिकने में कुछ टाइम तो लगता ही है ना। सब कुछ आज ही मत खिला दीजिएगा उन्हें। और हाँ, सालिक भाई को जरा दूर ही रखिएगा इस खूबसूरत बला से। लो भला, आपको इतनी दूर देश से आए तो हम मेहमान नवाजी भी ना करें? तो अब आप साले क्या सोचेंगे? अरे, तुम्हारे अम्मा बाबा तो ऐसे गए कि पलट कर खबर भी ना ली, ना कोई फोन ना कोई पता। हाँ, कौन जीता है कौन मरता है कोई पता नहीं, यहाँ तक कि खुद भी ना रहे। और तुमने तो उनकी तदफीन भी उस परदेस में कर दी। क्या करते ताई जान, वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे मौकों पर तमाम इंतजाम कर देती है। अब इतनी दूर बाद में फातिहा पढ़ने कौन आता? अरे, फातिहा खानी का क्या है, कोई नजदीकी दूरी नहीं, ये बात नियतों की होती है। जहां से मर्जी फातिहा खानी कर लो। अब देखो ना, हमने उनका दसवां भी किया, चेहलम भी किया, और कुरान खानी की बहुत बड़ी, काफी लोग आए यहाँ पे। ये तो आपकी मोहब्बत है ताई जान, लेकिन भूल तो आप लोग भी गए थे हमें। सालों साल गुजर जाते थे, कोई हाल अहवाल का फोन तक नहीं करते थे आप लोग। शायद यही गम लेकर अम्मा बस दुनिया से चले गए। नहीं देखो भाई, ये बात तुम गलत कर रही हो। जब तक तुम्हारे ताया जिंदा रहे, फोन भी करते रहे, हाल अहवाल भी पूछते रहे। और रही बात मेरी, मेरे सगे चचा का बेटा था, बिल्कुल मेरा सगा भाई, और हमारा तो बचपन साथ गुजरा था। जिस तरह तुम, सितारा और सालिक। सालिक कब आ रहे? हाँ, कह रहा था कि शाम को निकल जाएगा इस्लामाबाद से। अम्मा, खाना तैयार हो गया है। वाह भाई, बड़ी बात है, आज तो खाना बहुत जल्दी बन गया। और ये बच्चे और सितारा वगैरह कहाँ हैं? अंदर कमरे में, बेला तो जब से आई है जारा के साथ ही है, और तीनों बच्चे एक साथ इतने खुश हैं कि क्या बताऊं मैं आपको। मेरी जारा बहुत सीधी सादी है, बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है उसकी। मैं खाना लेके आती। वक्त के साथ साथ इंसानों की पहचान हो जाएगी उससे भी। अच्छा छोड़ो, आओ चलो खाना खा लो। जी, ये लीजिए गर्मा गर्म कबाब। हैरत की बात है, यहाँ अभी तक दस्तरखान ही लगता है। नहीं नहीं हमारे पास मेज भी है। सालिक के दोस्त आते हैं या बाहर के कोई दूसरे मेहमान आए तो तब वही खाना लगाते हैं, पर आप तो अपनी है ना, आपसे कैसा था कर लो। लेकिन मुझे लग रहा है जारा को यहाँ बैठने में मुश्किल हो रही है। बेटा ऊपर बैठ जाओ। नहीं नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। अरे बेटा, आंटी क्या होता है, मैं तुम्हारी मुमानी हूँ, तो मुझे शकीला मुमानी कह के बुलाओ। क्या हुआ मायरा, उत्थू लग गया? लगता है बहुत मिर्चें लगी हैं। अरे देखो ना, अब तुम इस देश की आदी नहीं हो, इस खाने की आदी नहीं हो। सारा खाओ, क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं ये सब कुछ इसके लिए ठीक नहीं है, बद एहतियाती ना करें, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, ना दे इसे। बस खाना खा के हम निकलते हैं अभी। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आंटी बस चक्कर लगाने जा रहे हैं।
आंटी वो हमने सोचा था खाना खा के थोड़ा बाहर घूमने जाएंगे ऐसे। हाँ तो ठीक है, आज ही तो आए हैं, कल चली जाना, वैसे भी यहाँ घूमने के लिए है क्या। अरे जाने दो ना, जाओ बेटा, मैं कह रही हूं ना, ये मायरा तो शुरू से ही जिद्दी है, लेकिन मेरे सामने कभी नहीं बोली ये। चलो खाना खाओ, खाओ बेटा। गोलाब गंडा इतने दिनों से दिल कर रहा था भाई, शुक्र आप ले आए। सबर सबर सबर, मेहमानों से पूछ लेते हैं जरा। नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, अफ़। नहीं नहीं खाना तो पड़ेगा यार, बड़ी मजे की चीज मिस कर दोगी तुम, सच में बोल रहा हूँ, नहीं यकीन नहीं आता, पूछूं किसी से, एक मिनट भाई साहब। अरे क्या कर रहे हैं आप, मैं मुझे बिल्कुल नहीं खाना, एक्चुअली मम्मी ने सख्ती से मना किया है, भाई से कुछ मत खाना अनहाइजीनिक है। तो ये खाना थोड़ी है, ये तो बर्फ का गोला है। ओहो ज़ारा ट्राई तो करो, एक खा लेने से कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बात होती तो मैं और भाई तो कब के बीमार पड़े होते। देखो ना हम मायरा आंटी को बताएंगे ना तुम मायरा आंटी को बताओगे, बिल्कुल चुप करके खा जाओ। ताईजान के सामने मैं कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन जब तक तुम वापस नहीं आ गई ना, बहुत फिक्र रही है मुझे तुम्हारी। खुदा न खासा अगर कुछ हो जाए तुम्हें तो। अब जब तक यहां हैं, मेरे बगैर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कोई ऑफर भी करे तो मना कर देना खुद ही। सुन रही हूँ नजारा? जी जी सुन रही हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा है, वरना यहाँ के लोग और ये माहौल तुम्हारे लिए नहीं है बेटा, ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऐसे तो ना कहे मम्मी, फैमिली है हमारी, कितनी मोहब्बत से मिले हैं सब, थे सो स्वीट, पता है कितनी केयर कर रहे हैं हमारी, सबको यही फिक्र है कि हमें कोई मसला ना हो रहा हो, वहां इंग्लैंड में कौन किसी का केयर करता है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, मुझे वही प्यार मिला जो नाना नानी से मिला करता था। यू नो इट्स अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी, मैंने अपनों के बारे में जैसा ही सुना बिल्कुल वैसा पाया है सबको। अभी एक दिन हुआ है ना तुम्हें यहाँ आए, इसलिए ऐसा कह रही हो, ये सब दिखावा है, जब साथ देने की बारी आती है ना, कोई अपना नहीं होता। धनी किस बात की नाराजगी आपको? मायरा, आगे तुम पूछ रही हो जो खुद इतने अरसे बाद आई है, गिनाओ मैं तुम्हें साल और दिन। हिसाब किताब के तो तुम शुरू से बहुत पक्के हो, लेकिन हर चीज का हिसाब जरूरी नहीं होता। ये जरूर, कैसी हो? मैं ठीक, खुश। वहां जिंदगी इतनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती है कि कुछ याद नहीं रहता। पछतावे जितनी जल्दी भूल जाए उतना ही अच्छा है। लगता है वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया तुम्हें।
तुम्हारी जिंदगी में पछतावा है? वाकई मैं क्यों पछताऊं? यहां सब कुछ तो है मेरे पास, खुदा का शुक्र है, जो कुछ मुझे चाहिए। मैं सुकून की जिंदगी जी रहा हूं। वाकई तुम्हारी बीवी से मुलाकात हुई थी, तुम्हारी चॉइस पर हैरत हुई मुझे, कहां तुम और कहां वो। शकीला बानो बहुत अच्छी है मायरा, इस मकान को घर बनाया उसने, मुझे संभाला, अम्मा को संभाला, बच्चे भी जवान हो गए। मैं वाकई पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हूं। तुम नहीं बदले सालिक, आज भी बस सुकून पर कॉम्प्रोमाइज है, खुशी की कोई अहमियत नहीं है। खुशी आने जाने वाली चीज है, सुकून अंदर से मिलता है। ऐसा है तो मुझे नजर नहीं आ रहा। शायद तुम अभी भी खुशी की तलाश में हो। आप दोनों इस वक्त यहाँ? मैं तो पानी पीने के लिए उठी थी, आपको देखा तो इधर चली आई। मायरा तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? मैं भी कमरे में जा रही थी। गुड नाइट।